नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सीटेट परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अभी अभी CBSE ने आप सभी के एग्जाम पर नया नियम लागू कर दिया है सीटेट 2022 के छात्रों के लिए। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगे भी आप सभी के नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड अपडेट जो भी जारी कीजिए आप सभी तक पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों, अभी अभी CBSE सीटेट 2022 के छात्रों के लिए सबसे बड़ी नोटिस CBSE ने जारी कर दी। आपको बता दें, सीटेट 2022 के एग्ज़ाम और आप सभी के नोटिफिकेशन का वेट खत्म होता हुआ। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आप सभी का नोटिफिकेशन अब CBSE जारी करने जा रहा है 20 अगस्त 2022, यानी कि आप सभी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो लगभग सामने आ चुकी है। 20 अगस्त 2022 से आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन सीटेट 2022 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ CBSE ने सीटेट 2022 की परीक्षा में काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। आपको बता दें, BEd BSTC विवाद चल ही रहा था, और यहाँ पे साथ ही साथ काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, सीटेट 2022 का जो कट ऑफ है इस बार दोस्तों वो बदल सकता है। साथ ही साथ दूसरा चेंजमेंट आप सभी के नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर आ रहा है। इस बार CBSE सीटेट 2022 के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति हटाई जा सकती है। साथ ही साथ सीटेट का जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो भी अब घटाई जा सकती है। सीटेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी वो भी कम की जा सकती है। इसके साथ ही साथ सीटेट 2022 के एग्जाम डेट पर भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, आप सभी के एग्जाम अब आप सभी के नवंबर और दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। डेट आ रही है 15 नवंबर से शुरू होकर आप सभी के एग्जाम 5 दिसंबर तक चलने वाले हैं। ऐसे में आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि तैयारी करते रहें, क्योंकि 20 अगस्त से लेकर करीबन 20 सितंबर तक आप सभी के ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट रहेंगे, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आप सभी के एग्ज़ाम करीबन 15 से 20 दिन पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम में कंडक्ट होंगे, और ये एग्ज़ाम एक दिन में एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। और आगे भी सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आप सभी तक पहुंचा जाती रहेगी।